अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है। माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। किसान का 14,000 नहीं माफ होता, 10,000 नहीं माफ होता। जब किसान बैंक को पैसा वापस नहीं देता है तो कहते हैं भैया तू चोर है, और जब अदानी पैसा नहीं देता तो कहते भैया आजा थोड़ा और देते हैं तुझे। नमस्कार, लाइव सिटीज में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। राहुल गांधी इन दिनों भारत जोड़ो न्याय यात्रा पर है। कई जगहों पर वो भ्रमण कर चुके हैं, और भ्रमण करते वक्त वो जब जनसभा को संबोधित करते हैं तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार कैसी चल रही है उस पर वो अपनी बात जरूर रखते हैं। वहीं ये तमाम वीडियो आप देख सकते हैं कि बिहार की है, जहां पर वो किसानों से बातचीत कर रहे हैं और वो बता रहे हैं कि ये मोदी सरकार जो है वो किसान विरोधी सरकार है, और कहीं ना कहीं ये सरकार जो है किसानों का विश्वास खो दिया है। और कैसे बता रहे हैं कि आपकी जो कीमती जमीन है, यानी कि किसानों की जो कीमती जमीन है, वो बड़े बड़े उद्योगपति को दे दिया जाता है, फ्री में दे दिया जाता है, उन्हें गिफ्ट दिया जाता है। क्या कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं राहुल गांधी, सुनिए। नमस्कार, उत्तर प्रदेश में भट्टा परसौल एक जगह है, वहां जाकर मैंने जमीन का मामला, किसानों की जमीन का मामला जाके छेड़ दिया। उसके बाद हिंदुस्तान की पूरी मीडिया मेरे पीछे पड़ गई, बिल्कुल उनका बर्ताव बदल गया। क्यों? क्योंकि जो किसानों की जमीन की बात थी उसको मैंने जाके उठा दिया। भट्टा परसौल के बाद यूपीए ने, कांग्रेस पार्टी ने जमीन अधिकरण बिल पार्लियामेंट में पास किया, 4 गुना कॉम्पेंसेशन किसानों को अपनी जमीन के लिए, 4 गुना मार्केट रेट से 4 गुना। मोदी जी का पहला काम पार्लियामेंट में आकर इस बिल को रद्द करने का। तो मेरा कहना है कि जो भी राजनेता किसानों की जमीन की रक्षा करने की बात करेगा, उस पर 24 घंटा मीडिया का आक्रमण शुरू हो जाए। अब यहाँ पे आपका एसएसबी का है, कानून के मुताबिक अगर ये जमीन इस्तेमाल नहीं की गई तो 5 साल के अंदर आपको वापस मिल जानी चाहिए, ये कानून है। अगर यहाँ पे हिंदुस्तान की सरकार जमीन अधिकरण बिल के कानून को तोड़े, और मैं आपको आश्वासन दे सकता हूँ कि अगर हमारी सरकार आएगी तो एकदम ये जो आपका काम है हम करके आपको दे देंगे। किसानों को चारों ओर से घेरा जा रहा है, आपकी जमीन छीनी जा रही है, आपसे जमीन ली जाती है, अदानी जी जैसे बड़े बड़े उद्योगपतियों को फ्री में तोहफे जैसे गिफ्ट में दी जाती है, दूसरी तरफ से खाद बीज इन चीजों में आपसे, आप पर दबाव डाला जाता है, आपसे पैसा छीना जाता है। और अजीब सी बात है, मगर अरबपतियों के 14 लाख करोड़ रुपए कर्जा माफ हो सकता है, माल्या का कर्जा माफ हो सकता है, अदानी का हो सकता है, इन सब का हो सकता है, मगर किसानों का कर्जा माफ नहीं हो सकता। हिंदुस्तान के हर नागरिक की कम से कम प्रोटेक्शन होनी चाहिए। अगर हम किसानों की रक्षा नहीं करेंगे, चाहे वो एमएसपी की बात हो, कर्जा माफी की बात हो, सही दाम दिलाने की बात हो, अगर किसान को ये नहीं लगेगा कि देश की सरकार हमारी रक्षा कर रही है तो देश आगे नहीं बढ़ सकता। और आज सच्चाई है कि जो किसान के दिल में जो डर है उसको सरकार मिटा नहीं पा रही, और किसान ने सरकार पे पूरा का पूरा भरोसा खो दिया। मगर मैं आपको यहाँ ये कहने आया हूँ कि हमारी कोशिश रहेगी कि जो आप भरोसा खोए हैं वो एक बार फिर आप हमारी सरकार पर भरोसा करें। और मैं आपको गारंटी देता हूँ, जैसे ही हमारी सरकार आएगी हम कानून को यहाँ लागू। आप जानते हो हिंदुस्तान के सबसे बड़े अरबपतियों को कितना कर्जा माफ किया मोदी जी ने? कितना? ना, 14 लाख करोड़ रुपया, 14 लाख करोड़ रुपया। किसान का 14,000 नहीं माफ होता, 10,000 नहीं माफ होता। और क्या कहते हैं, जब किसान डिफॉल्ट करता है, जब किसान बैंक को पैसा वापस नहीं देता है तो कहते हैं भैया तू चोर है,
और जब अदानी पैसा नहीं देता तो कहते भैया आजा थोड़ा और देते हैं तुझे। तो आपने सुना और देखा भी कि राहुल गांधी किस तरीके से किसानों से बातचीत कर रहे हैं। हालांकि किसान भी अपनी समस्या को उनके पास रख रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा है कि हम तो बस लोगों को जिताते जाते हैं लेकिन हमारे लिए कोई काम नहीं करता। आदिवासी समाज के लोग जो है वो भी बता रहे हैं कि हम कैसे यहाँ पर रहेंगे क्योंकि हमें कोई भी लाभ नहीं मिल रहा है। वहीं राहुल गांधी यह भी कहते हुए नजर आए हैं कि आपसे वादा करते हैं, किसानों से उन्होंने वादा किया है कि हमारी सरकार आएगी तो हम आपके लिए काम करेंगे। इतना ही नहीं, राहुल गांधी ने यह भी कहा है कि आपसे आपकी कीमती जमीन जो है वो ले ली जाती है और वही जमीन जो बड़े बड़े उद्योगपति होते हैं उन्हें गिफ्ट के तौर पर दिया जाता है। इतना ही नहीं, राहुल गांधी यह भी कह रहे हैं कि यहाँ तक कि जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं उनका कर्जा माफ हो जाता है लेकिन किसानों का कर्जा माफ नहीं होता है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि राहुल गांधी किस तरीके से किसानों के बीच पहुंचे हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं, उनकी समस्या क्या है इसके बारे में भी बता रहे हैं और सुन रहे हैं। और वहीं उन्होंने वादा किया है किसानों से कि उनकी अगर सरकार आएगी तो उनकी सरकार में किसानों को खासकर उन पर ध्यान दिया जाएगा, उनके हितों में काम किया जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।